कौन सी चीज है जो गांव की जिंदगी को शहर की जिंदगी से अलग बनाती है? यहाँ लिखा है कि ऐसे अच्छे कारण बताएं जिससे गांव में रहने का मन करे। तो हम शांति से शुरू कर सकते हैं। बड़े शहरों के मुकाबले गांव में ज्यादा शांति होती है, इस बात से तो कोई इनकार भी नहीं कर सकता। तो क्यों ना हम कहीं, और वहां की मिट्टी बहुत शानदार है जो सुबह उठते ही आपके मन को खुश कर देती है, और फिर वो गांव में बनी गरम रोटी, उसे आप अच्छे से चूल्हे पर पकाते हैं तो वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि खेत से तोड़कर टमाटर और मिर्च खाना, और उस चीज़ की तुलना तुम किसी और से नहीं कर सकते क्योंकि उन सब्जियों से भी उसी मिट्टी की खुशबू आती है और उसी समय सूरज भी आपके सामने होता है। पर जब वो सब्जी कीड़े के कारण खराब हो जाती है तो आपको तकलीफ होती है। वैसे ही सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम मुर्गा और मुर्गी को खुला छोड़ते हैं तो वो इधर उधर दौड़ लगाते हैं, उन्हें ऐसा देखकर बहुत खुशी होती है। कोई बात नहीं, मैंने जी तो नहीं है पर सोच सकती हूँ। जैसे कि वहाँ कोई भी गरीब नहीं होता, सबके पास अच्छे से खाना होता है, कोई कमी नहीं होती और हर समय उनके फ्रिज में कुछ ना कुछ होता ही है, ऐसा ही ना? सही कहा स्वीट हार्ट। और रात को जब तुम आसमान देखते हो तो वो अनगिनत तारे दिखाई देते हैं, और जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो तो तुम एक शांति का अनुभव लेते हो। शहर की लाइटिंग तुम्हारी आंखों में इस तरह गिरती है कि तुम्हें आसमान दिखाई ही नहीं देता। रात के समय मोटरसाइकिल की आवाज और लोगों का आपस में बात करना, हमें तो सच में गांव चले जाना चाहिए। हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़ैनब, मुझे लगता है तुम्हें अपना होमवर्क अंदर जाकर करना चाहिए, नहीं तो ये सब बताते बताते हमारी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। Excuse me, मैं भी आया। ज़ैनब चलो हम तुम्हारा होमवर्क करते हैं। हेलो, आमिर बोल रहा हूँ। मैंने देखा कि आपने हमारे हॉस्पिटल से एक डीएनए टेस्ट करवाया था, आपका नाम यहाँ सिस्टम में, ये सही है? हाँ, आप सही कह रहे हैं, हमने मेरी वाइफ की बहन का डीएनए टेस्ट करवाया था। वैसे बात क्या है? हम लोग सारे पेशेंट्स को कॉल कर रहे हैं जिन्होंने हमारे लेबोरेटरी से टेस्ट करवाया है, बस इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मिस्टर एमिर, दुर्भाग्य से 6 महीने बाद हमारे सामने यह आया कि हमारे यहाँ जो लेबोरेटरी असिस्टेंट काम करता था उसका डिप्लोमा झूठा था और उसी असिस्टेंट ने कुछ टेस्ट रिजल्ट्स में गलतियाँ कर दी थी, इसलिए 6 महीने पहले की टेस्ट रिजल्ट्स शायद गलत भी हो सकती हैं। अच्छा, तो आपका मतलब है कि जो टेस्ट करवा गया उसमें गलती हो सकती है? जी सही, ये हो सकता है कि डीएनए टेस्ट में जो रिजल्ट आया है वो गलत भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके पास जो डीएनए टेस्ट रिजल्ट आया है वो गलत भी हो सकता है। हेलो सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, मैं यही हूँ। अगर आप दोबारा टेस्ट करवाना चाहते हैं तो आप हमें बस एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, शुक्रिया।